तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं हमारे पास ये ओक्रेनी का नहीं ओकरेनिना क्या लिखा है यार, ये ओकरेना लिखा है, ओकरेना की प्रेस आई है ये। ओकरेना कंपनी कौन सी है नहीं मालूम, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ यार। इसके इससे पता चल रहा है ये विदेशी टॉट वो है, ये यहाँ की नहीं है, बाहर की है। ठीक है, ये जो ओ करीना लिखा हुआ है ये कहाँ की है पता नहीं है। बहरहाल इस प्रेस में क्या फॉल्ट आ रहा है ये देखेंगे अभी। और देखिए आपको इसकी सप्लाई चेक करके दिखा देता हूँ। इसमें देखिए कोई भी चाँच हो कुछ नहीं है। और ये देख लीजिए हमारा सिरिंज बल्ब जो है ग्लो कर रहा है एकदम, ताकि लग जाए। ठीक है, और इसमें देख रहे हैं लगा के तो इसमें कोई सप्लाई नहीं आ रही है। ठीक है भाई लोग, चलिए ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। पहले हम इसकी लीड देखेंगे कि इसकी लीड में तो कोई फॉल्ट नहीं है। अगर इसकी लीड सही है तब आगे देखेंगे। ओके, जब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। और भाई लोगों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके चलिए ठीक है, अभी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपने। इसका पहले नीचे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यार इसमें पेचकस भी, स्टार पेचकस लगा हुआ है, ये अजीब टाइप की प्रेस है यार। चलिए ठीक है, अभी इसे पहले खोल लें क्योंकि इसमें पेच जो दिख रहा है वो स्टार है, और वो दूसरा पेचकस लाना पड़ेगा यार। ये देखिए भाई साहब, हमारा इसी वाली पेचकस से जादू पेचकस है, ये भी हर चीज़ में लग जाता है ये वाला। बहरहाल देखते हैं इसकी सप्लाई पहले चेक करते हैं। ये यहाँ से इसको चेक करेंगे प्लग से और लीड से। ठीक है भाई लोगों, अगर लीड और प्लग सही बता रही है तो फिर आगे का फॉल्ट होगा। ठीक है, अच्छा इसमें सप्लाई आ रही है यानी ये वाली लाइन ठीक है, इसमें भी सप्लाई आ रही है, ये वाली लाइन भी ठीक है। इसका मतलब जो है फॉल्ट अंदर से। चलिए ठीक है, अभी दोनों लाइनें चेक कर लेते हैं यहाँ से। ओहो यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। ठीक है, यानी इसके मेन में तो सप्लाई आ रही है और अंदर नहीं आ रही है सप्लाई। ठीक है, यानी जो सिरिंज में है वो सप्लाई नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सप्लाई जो है वो यहाँ से इसकी सिरिंज वाली सप्लाई गड़बड़ है। इसका एलिमेंट ठीक है, ये देखिए ये दोनों एलिमेंट के हैं, यहाँ एलिमेंट की सप्लाई आ रही है लेकिन इसमें नहीं आ रही है। ठीक है भाई लोगों, चलिए ठीक है, अभी इसे कॉल करके और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है भाई लोगों, तो बने रहिए, कैसे खुलती है ये प्रेस ये भी देख लीजिए, फिर बाद में सॉल्व करके दिखाएंगे वीडियो। यहाँ से इसको हटा दें ऊपर को, और इसमें एक पेज ये है और दो पेज कुछ नहीं करना है, ये वाले दो पेज तीन पेज खोलना है। वो वाली जो दुबई वाली प्रेस थी उसमें बहुत झाड़ होता है यार, हालांकि है ये भी विदेशी लेकिन इसमें इतना झाड़ नहीं है। तो जो स्टीम वाली प्रेस होती है ना उसमें यार बहुत जाने क्या क्या चेक यार। चलिए ठीक है, इसको खोलते हैं और फिर इसकी सप्लाई देखते हैं कहाँ से गड़बड़ हो रही है। जहाँ तक है मुझे लग रहा है इसका थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम लग रही है, थर्मोस्टेट ही खराब हो सकता है क्योंकि इसकी सप्लाई थर्मोस्टेट से ही नहीं आ रही है। ये देखिए भाई लोगों, अभी हमारे ये सब पेज खुल चुके हैं, अभी यहाँ से तीन पेज और बाकी है, एक और ये दो, ये तीनों पेज खोल देंगे तभी हमारी प्रेस अलग हो जाएगी।
बस अब ये प्रेस जो है खुल गई है। ऐसा महसूस हो रहा है यार, ये पहली बार ही थी ये यार। ओहो ये देखिए इसके अंदर कितना कचड़ा भरा हुआ है यार, पहली बार खुली हुई है ये ब्रेस, अभी इतना कचड़ा भरा हुआ है। चलिए ठीक है, पहले हम इसे साफ की हमारी इस ब्रेस के अंदर, इसके अंदर है। मैंने पहले ही बोला था कि थर्मास्टेट में प्रॉब्लम है, ये दिख रहा है ये थर्मास्टेट इसका, ये अंदर जो ये ख़राब हो गया ये देखिए। हालांकि वैसे तो ये नया पड़ना चाहिए, लेकिन ये यार ये अब ओरिजिनल है, ये कंपनी का है, तो ये नया लेके आएंगे तो ऐसा मिलेगा नहीं सेम सेम। तो फिर इसको एक काम करते हैं, ये देखिए ये इसका मसाला दिख रहा है, ये छूट गया है, ये जो टच करता है ना इसकी सिरिंज जो होती है ये टच करती है, यही ये गड़बड़ है, ये दिख रहा है। चलिए मुश्किल नहीं है, अभी हम इसकी जुगाड़ करके दिखाते हैं कि क्या करना है। ठीक है देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, अभी जो है हमारा ये यहाँ पर ये जंपिंग तो इसकी सही कर रहा है, लेकिन ये ख़राब हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी पत्ती से ही काम चलाएंगे, ये जो पत्ती है इसकी इसी से ही काम चलाएंगे, लेकिन ऐसे काम चलाएंगे कि इसको जो है ये चीज़ रेगमाल से घिसेंगे। इसको दिख रहा है ये, पहले तो मोटे वाले रेगमाल से इसको साफ करते हैं। तुम पहले पैसे लौटा के लाओ जल्दी से, अरे पहले पैसे जल्दी से लेके आओ फटाफट, फिर दुकान उसको बैठो, आसान हो गई है लली, जाओ जल्दी जाओ। सही है सही है। अब देखिए इसका अंदर वाला सिरा जो है ये वाला, ये जो टच कर रहा है ना, इसको पतले वाले रेगमाल से करना है, इसे दिख रहा है ये, बस कुछ नहीं करना है इसको, इस तरीके से ऐसे ऐसे करना है। ठीक है ऐसे ऐसे करके फिर इसमें क्या है ना, ये सही हो जाएगा। ये देखिए भाई लोगों, अभी जो है हमारा ये बिल्कुल सही काम करने लगा, ये देखिए ये सप्लाई आ रही है इसमें, बस ये इतना सा काम था इसमें। ठीक है, काम थोड़ा था लेकिन टाइम पूरा लग गया। अभी इसमें जो है इसकी सप्लाई बिल्कुल सही हो रही। ठीक है भाई लोगों, अभी हम इसको फिट कर, इसको एक बार और इसको भी चेक करके देख लें, जैसे ये जो सप्लाई इसकी यहाँ इसके थ्रू आती है, इसके अंदर भी एक फ्यूज लगा रहता है ये वाला, तो इसकी सप्लाई देख लें ये सही है। अरे यार ये भी खराब है, ये भी सप्लाई इसकी सही नहीं है, चलिए ठीक है मुश्किल नहीं है, पहले इसका फ्यूज इसका सही कर दें, इसके अंदर क्या होता है अभी दिखाते हैं आपको। अरे यार ये बड़ी मुश्किल हो गई यार, तो एलिमेंट टूट गया यार, तो यार प्रेस खराब हो जाएगी यार। चलिए मुश्किल नहीं है, इसे सोल्डरिंग करके कैसे भी जुगाड़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए भाई साहब, इसमें एक फ्यूज भी रहता है, ये फ्यूज उड़ गया है,
तो हमने इसमें मोटा सा फ्यूज बांध दिया है और इसमें सोल्डरिंग कर देंगे तभी हमारा कामयाब हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए यार, प्रेस की खूंटी टूट गई थी, ये एलिमेंट की खूंटी समझ लो टूटना ख़तरनाक है, पूरी प्रेस ख़राब हो जाएगी इससे। तो मैंने इसको सोल्डरिंग मार के ये काम कर लिया, ठीक है। ये जो है गर्म हो गया ये अच्छे से, ठीक है भाई। लो अभी इसको फिट कर देते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हमारी जो है प्रेस रेडी हो चुकी है। इसमें ये वाली जो सप्लाई जो खूंटी टूट गई थी, इसकी खूंटी हमने ये लगा करके और यहाँ सोल्डरिंग कर दी डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका ये डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई ये आ गई, तो ये दोनों मिक्सिंग हो गए। और अब दूसरा ये वाली हमारी सीरीज हाई और ये डायरेक्ट हो गया, इन दोनों में जो है इंडिकेटर लग जाएगा और इन दोनों में हमारी सप्लाई आ जाएगी, प्रेस चालू हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं फिटिंग करके आपको बाद में दिखाता हूँ।